Don't be a hero. Don't have an ego. Always question yourself and your ability. Don't ever feel that you are too good. Paul Tudor Jones. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2022। आइए देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है ओवरनाइट में। ओवरनाइट में डॉलर इंडेक्स बाउंस बैक फ्रॉम द लो, अभी है 105.29 आफ्टर ट्रेडिंग आफ्टर मूविंग बॉटम टू 104.11। It is now at 105.29. As expected, this zone acted as a support one, and from there only we saw some pullback. That being the case, what next? The question of what next is that immediate jo resistance hai, wo hai aapka 105.50 se 105.70 ke beech mein. क्या इंडेक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस डाउनवर्ड मूव करेगा या इस जोन को तोड़ के इट विल हेड टुवर्ड्स 107.00। लेट अस वेट एंड वॉच। डॉलर रुपी कल बहुत ही बढ़िया अप मूव दिया है। आपका ये opened at around 81.30 levels in our Indian market. Thereafter, it moved higher and higher. And after that, it closed at 81.89. A couple of things acted here. First of all, MSCI rebalancing related outflow. दो दिन पहले जो इनफ्लो था उसका बचा हुआ पार्ट आउटफ्लो में चला गया। फर्स्ट, सेकंड इज योर पीपल आर शॉर्ट अराउंड 81.50-81.60-81.70 लेवल्स, सो शॉर्ट कवरिंग एंड आल्सो ऑयल रिलेटेड डिमांड्स आर देयर इन द मार्केट, जिसके कारण ये अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। अभी हमें देखना है कि क्या ये 81.90 से 82.00 इसके ऊपर सस्टेन करता है या थोड़ा सा पॉज लेता है। जैसे कि हमने यहाँ पे RSI 14 को देखा था रेंज शिफ्ट करते हुए, तभी हमने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट्स बिकम सावधान, एंड वही हुआ है आपका। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो जोन है 81.90 करंट लेवल से 82.00, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्या ये इमीडिएटली तोड़ के ऊपर चला जाएगा या यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा या रेस्पेक्ट करेगा, ये हमें देखना है। GBP डॉलर, आपको याद होगा कल के एनालिसिस पे जहां पे हमने ये रिकमेंडेशंस दिया था कि करंट लेवल पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए, रेदर वेट फॉर ए पुल बैक। और कल देखिए कैसा जबरदस्त आपका 1.2344 हाई से 1.2163 ऑलमोस्ट 200 pips, टू बी प्रिसाइज 180 pips का एक सेल ऑफ देखा था फ्रॉम द हाई टू द लो, वैसा ही हुआ है। What next? यहाँ पे आपका 1.2125 is expected to act as a strong support level. उसके लो के नीचे we may expect towards the center band. So, इसको अगर यहीं से bounce back करके ऊपर तोड़ता है, one possibility, थोड़ा सा consolidate कर सकता है current level पे, second possibility, and the third possibility is ये जो आपका 2 दिसंबर का जो लो है उसके लो के नीचे सस्टेन करेगा थोड़े टाइम के लिए, तो ये और थोड़ा सेंटर बैंक के तरफ जा सकता है। GBP INR में कल एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, एंड इन्वर्टेड पिन बार का जो लोकेशन है वो है प्रीवियस
resistance zone. That being the case, यहाँ पर भी थ्री प्रोबेबिलिटीज, एक नीचे थोड़ा और थोड़ा जा सकता है, मे बी टुवर्ड्स 99.25, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर दोबारा ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे. ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे तो ये पिन बार के हाई के ऊपर, दैट इज 100.62, इसके हाई के ऊपर एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो डॉलर सिमिलरली आपका एक फ्रॉम द टॉप हल्का सा करेक्शन आया है, एंड करेक्शन का लोकेशन कहां पे देखिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन. दैट बीइंग द केस, आपका थोड़ा सा पुल बैक हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो 2 दिसंबर का लो है, दैट इज ए क्रूशियल लो, इसके इसके नीचे अगर जाएगा तो थोड़ा सा हम फर्दर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी अनदर आपका 100 पिप्स के तहत. और कल के हाई के ऊपर एक जूम अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बूम बूम करके ऊपर जाने के लिए. यूरो आईएनआर सिमिलरली एक पिन बार बनाया हुआ है, इन्वर्टेड पिन बार, एंड उसका लोकेशन जो है आप देखो, लोकेशन एक रेजिस्टेंस जोन है. दैट मीन द केस, एक जो पुल बैक देन अप मूव इज एक्सपेक्टेड. डॉलर येन 136.45, ये लोअर लेवल से पुल बैक, अच्छा खासा पुल बैक दिया है. दैट मीन द केस, हमारा जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन हो सकता है 137.50 से 137.70 की तरफ, क्या ये वहां पे रेजिस्टेंस लेके वापस रिसेंट जो लो है, दैट इज 133.60, उसको टेस्ट करने वाला है, वो हमें देखना पड़ेगा. येन आईएनआर सिमिलरली आप देखो, जो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, फिर वापस वहीं पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके हाई को तोड़ता है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.61 से 0.6125 के तरफ. डॉलर कैंडी में अच्छा खासा तेजी देख रहा है यहाँ पे, बट टिपिकलिटी इज दैट, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, 13th अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, एंड आपका 16th नवंबर ऑनवर्ड्स एक हायर हाई हायर लो बना रहा है. टिपिकलिटी क्या है, ये जो हायर हाई हायर लो है, ये प्रीवियस लोअर हाई लोअर लो के अंदर में है. सो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शंस डाइसी हो गया. ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.6707, ये देखिए अच्छा खासा पुल बैक लेके कहाँ पे आया है, ये आया है सेंटर बैंड पे, एंड ऑल्सो द प्रीवियस जो ये जो सपोर्ट जोन है, जो पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस का काम किया, फिर वहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है. ये परफेक्ट आपका ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है. आप 4 आवरली पे आप या आवरली पे भी हम जा सकते हैं. आवरली पे जाके एक ट्रेंड लाइन खींच के ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा, हम लॉन्ग के लिए खेल सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे समथिंग लाइक दिस, उसको आपको 4 आवरली पे जाना आवरली पे जाना पड़ेगा. सीएनएच अच्छा खासा ये 7.00 के नीचे अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, अभी है 6.96. स्ट्रेंथ ऑन युआन, दैट मींस जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन से काफी ईज ऑफ हो रहा है, एंड ग्लोबली द डिमांड्स मार्केट सीन दैट द डिमांड्स मे ग्रो, दिस इज द इसके ऊपर हम. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक चीज देखने वाला है कि कल का जो प्राइस है, नीचे के लेवल पे काफी रिजेक्शन हुआ है. इट ट्रेडेड लो ऑफ 6.9234, हियर इज इट क्लोज्ड एट 6.9668. दैट बीइंग द केस, आपका नीचे के जो 200-220 पिप्स का जो एक प्राइस रिजेक्शन हुआ है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट इन कमिंग डेज. यूके ऑयल अच्छा खासा सेल ऑफ गया था आपका, अभी है 82.88, मस्त एक सेल ऑफ आया है आफ्टर ट्रेडिंग एन हाई ऑफ 88.39. अगेन ये वापस 82.82 पे आ चुका है. दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट बोले तो आपका ये जो 3 बार का लो इज क्रूशियल.
इन बार का लो डेटेड 28 नवंबर, इसका लो क्या है 80.86, यानी आप मोर और लेस 80.80 ले सकते हो। इसके लो के नीचे अनदर शार्प सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 3.577, यहाँ पर भी हमने एक पुल बैक देखा है। ये जो कैंडल है 2 दिसंबर का, ये भी एक टिपिकल कैंडल है। ये है तो एक इन्वर्टेड पिन बार, लेकिन इसका जो लोकेशन है गलत जगह पे है। बोले तो एट द डाउन ट्रेंड में ये पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। ये अगर टॉप ऑफ द ट्रेंड में होता तो मस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होता। एज ऑफ नाउ इसका मतलब क्या है, आप देखो जो प्राइस रिजेक्शंस हुआ था 3.638 हाई मार के, ये क्लोज दिया था 3.488 पे। दैट मीन द केस इसके हाई के ऊपर, दैट यानी कि 3.638 इसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। ये जो अपवर्ड मोमेंटम होगा एट एनी केस आपका 3.83 या 3.84 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, नहीं तो ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से इसको निगेट करेगा, मार्केट विल एंटर इनटू ए चॉपिनेस, डायरेक्शनलेस, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो एक अनसर्टेन मूवमेंट के डायरेक्शन में चला जाएगा। इसीलिए ये 3.8384 के ऊपर, बेसिकली 3.84 होगा, 84 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को ये पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कॉमेंट कीजिए। व्हाट नेक्स्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, और क्या आप जानना चाहते हो? अगर मेरे को आता है मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।